अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बोलो भगवान बद्री केदार की, बोलो भगवान बद्री केदार की, माता तुलजा भवानी की। और सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के उन मुख्यमंत्री को और उत्तराखंड के उन मुख्यमंत्री को जो यहाँ है नहीं, कुछ तो शायद संसार में भी नहीं है, उन सब लोगों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी ओर से नवी मुंबई में इस स्थान के लिए कोशिश की गई, यह स्थान हमको प्राप्त हुआ। और आज हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं, हम आप सबको ये गौरव हो रहा है कि भैया हम शिखर वासियों को सागर में भी जगह मिल गई है। इसलिए इस सागर तट पर आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत श्लोकार्पण के अवसर पर बधाई देता हूँ। और सचमुच मुझे लगता है कि शायद ये भवन पहले बन गया होता त्रिवेंद्र जी, ये भवन शायद इसलिए नहीं बना कि भाई उत्तराखंड का मुख्यमंत्री उद्घाटन करें तो महाराष्ट्र में राज्यपाल भी उत्तराखंड का ही हो। ये सुअवसर ऐसा मणिकांचन संयोग मिला है। और सचमुच मैं उन लोगों को, अपने वरिष्ठ लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भाई जहाँ आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ का अगर राज्यपाल बनने का अवसर बना तो हमेशा मुख्यमंत्री नबे रहो, तो कभी आप भी राज्यपाल बन जाए कुछ क्योंकि हमेशा एक तो भी रहता नहीं है। मैं उन सब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जब भी उत्तराखंड में जाओ गणेश जी नायक साहब, तो वहाँ के हमारे जितने जोशी हैं, पांडे हैं, पंत हैं, वो कहते हैं हम तो साहब महाराष्ट्र से आए। और जब से पवार ने यहाँ इंडस्ट्री स्थापित कर ली, हमारे के एस पवार आपके बगल में बैठे हैं, ये भी कहने लगे कि नहीं नहीं पवार केवल यहाँ शरद पवार ही नहीं, के एस पवार भी रहते हैं उत्तराखंड में, वो भी इंडस्ट्रीज बन सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने मौका दिया, तो आप लोगों को इसलिए कि इनको ये गौरव प्रदान किया कि भाई उत्तराखंड से आकर के यहाँ कोई इंडस्ट्रीज बन जाए, तो ये भी और अच्छी बात है। इनको इनको भी आप सबको मैं इसलिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों मैं लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे और भी कार्यक्रम करने हैं, आप सब लोगों से भेंट होती रहती है और इतने अधिक कार्यक्रम है। अभी कौतिक बारे में अभी बोल रहे थे, कौतिक के बारे में आपने बोला कैसे है, अभी कौतिक का कार्यक्रम है, कभी कोई कार्यक्रम है, सब जगह आपसे भेंट होती रहती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि माननीय त्रिवेंद्र जी ने आप सबके सामने उत्तराखंड का जो वर्तमान स्वरूप है, जो उनकी भविष्य की योजना है, जो एक प्रकार से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा स्वरूप उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जितनी द्रुत गति से प्रगति कर रहा है, अभी मुझे पिछले दिनों बैंक के एक बहुत बड़े अधिकारी मिले, एक बहुत बड़े बैंक का संचालन करते हैं, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ यह NPA क्यों बढ़ गया इतना, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखे कोश्यारी साहब, मुझे मालूम था पर मैंने उनसे पूछा क्यों इतना तुम्हारा पैसा जो है खत्म हो गया, बैंकों का पैसा सब बट्टे खाते में जा रहा है, क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि बोले कोश्यारी साहब, गवर्नर साहब, ऐसा हुआ कि 2010 से लेके 12-13 के बीच में सड़कों के लिए, बिजली के लिए इतना पैसा इंडस्ट्रीज को दे दिया गया, सड़कें बनी नहीं, बिजली की योजना बनी नहीं, और वो पैसा सब NPA हो गया और देश का बट्टा खाता हो गया। अभी क्या है इसका अर्थ, क्या है? मैंने क्यों बोला ये आपके सामने? इसलिए बोला कि हम लोग याद करते हैं कि जब कभी मैं दौरा करता था पहले 5 साल से पहले, जो अभी 5-6 साल गुजरे हैं उससे पहले जब मैं राज्यसभा में था, तो
तो मैं जहां जाता था किसी पार्टी का एमपी हमारे साथ रहता था, वहां के लोग मिलते थे, कहीं अरुणाचल चले जाओ, केरल चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो लोग कहते थे कि साहब देखो अटल बिहारी वाजपेयी कोश्यारी साहब एक बढ़िया काम कर गए। कभी क्या काम, उन्होंने तो बहुत बढ़िया किया। बोले नहीं नहीं, एक काम बहुत बढ़िया किया है। अरे कौन सा बढ़िया काम किया? बोले साहब उन्होंने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है उसके कारण से हमारे यहाँ गाँव गाँव में सड़कें बन रही है। और ताजु भी हुआ कि पिछले 10 वर्षों में इस मोदी के आने से पहले बहुत काम ढीला हुआ। मुझे लोग उन दोनों जनरल खंडूरी जो हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने बड़ी तारीफ करते थे कि देखो उन्होंने इतने सड़कें बना दी। और आज गणेश नायक जी आप बहुत खुश होंगे कि आपके महाराष्ट्र के निवासी, नागपुर के निवासी हमारे गडकरी साहब को सब लोग सड़क करी कहने लग गए, इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बना रहे, अरे जहां देखो तो वहां। और वैदा मैं पिथौरागढ़ से आता हूँ, अभी मेरे भाई वहां से आए, बोले कि नहीं नहीं अभी अगले ये हमारे यहाँ से मित्र आए सत्य हमारे सत्यान साहब, ये बोले नहीं नहीं अब हमको नागपुर तक सरकार ने पहले तो पूरी हमारी बड़ी लाइन बना दी है जाने की, उधर से नेपाल भी लोग जाते हैं, और बोले पिथौरागढ़ से वहां धारचूला और वहां कैलाश मानसरोवर के आखिरी सीमा तक वहां तक ऑल वेदर सड़क, इस प्रकार की सड़कें बन रही कि जैसा भी मौसम हो, ये नहीं कि टूटी जा रही सड़कें खत्म हो रही रुकना पड़ रहा है। तो ये एक दृष्टि है, ये दृष्टि होती है, एक दृष्टि हम लोगों को मिली हुई है कि जिसके कारण से आज उत्तराखंड में संचार व्यवस्था इतनी दूर तक हो गई है। अपने अभी त्रिवेंद्र जी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि पिथौरागढ़ का हवाई सेवा शुरू हो गई है, बहुत जल्दी चिनाली सौड़ शुरू हो जाएगी। कोशिश है कि ये जो मुंबई दिल्ली चेन्नई जहां जहां लोग रहते हैं यहाँ के लोग जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी सुविधाओं से मिले, सुविधाएं मिले, तो ये लोग पहाड़ में आए हैं। जब ये लोग पहाड़ में आए हैं तो जो उत्तराखंड के लोग यहाँ बसे हैं ये भी कभी कभी जाए, क्योंकि नहीं तो हमारी बहन यहाँ तो ताई बोलते हैं, यहाँ ताई कैसे बोलते हैं मैं आप लोग बताता हूँ थोड़ा। मैं वहां से ताई जी, मैं जब यहाँ राज्यपाल बन के आया तो एक महीने बाद यहाँ बड़े बड़े वो बोर्ड लगे लंबे लंबे, उन्होंने कहा कि पूनम ताई, अरे मैंने कहा बच्ची कब से ताई होगी, बाद में लोगों ने कहा नहीं यार भाइयों को जैसे हम दीदी कहते हैं ताई कहते हैं, ये थोड़ा अंतर है। नहीं जी ऐसा है कि हमारे यहाँ आज उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला है कि ये उत्तराखंड के साथ जैसा अभी त्रिवेंद्र जी कह रहे थे ये सुविधाएं हैं कि वहां आप जब कुछ भी नहीं करते थे वहां सड़क नहीं थी। अभी आप बता रहे थे, गणेश जी बता रहे थे, मैंने कहा आप वहां गए हो क्या केदारनाथ? बोले मैं तो नहीं गया मगर मेरे दादाजी जब पैदल था तब वो जाते थे वहां। अब बताओ दादाजी पैदल जाते थे और विधायक जी हवाई जहाज से भी नहीं जाते जाएंगे क्योंकि वो हेलीकॉप्टर भी जाता है, सेवा हेलीकॉप्टर की हो गई है, कितनी सुविधा हो गई है। एक किस्म से मैं सोचता हूँ कि शायद पूरा राष्ट्र प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी उस दिशा में हम सब लोग एक प्रकार से काफी प्रयत्नशील है और हमारा देश आगे को बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र तो यहाँ के कहा जाता है कि देश की राजनीतिक नहीं तो आर्थिक राजधानी है और अर्थ के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन अर्थ कभी कभी अनर्थ भी करता है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि खाली पैसे कमाने के पीछे पड़े रहोगे, अपनी मातृभूमि को भूल जाओगे, वही को भूल जाओगे, ईजा को भूल जाओगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं जब कभी आपके बीच में आता हूँ तो कहता हूँ कि भाई जरा वहाँ अपने मूल को भी याद रखा करो। हमारे यहाँ एक अधिकारी है वहां से SSP इन्हीं के रहने वाले दाते सामने बैठे हैं, ये मेरे पास हर हफ्ते आ जाते हैं, दूसरे हफ्ते आ जाते हैं, इनके बच्चे भी आते हैं। उस समय बड़े उससे आए कि साहब नहीं नहीं अब हम वहां से जो है डेपुटेशन में ही जाएंगे और डेपुटेशन में ही आए। अब मुझे कहते कि नहीं नहीं साहब हमको तो उत्तराखंड अच्छा लगता है, छोटे बच्चे भी कहते हैं उत्तराखंड अच्छा लगता है। इनके बगल के अधिकारी सोच रहे हैं कि हम भी वहीं चले जाएं। ये
क्योंकि उसका कारण क्या है कि वहां जितना प्रकृति सुकोमल है, जितना प्रकृति वहां की सुंदर है, जितना प्रकृति निश्चल है, जितनी पवित्र गंगा है, सचमुच यूं तो सारा भारत का देश ही पवित्र है, सारा भारत के लोग ही देवतुल्य है, लेकिन ये बात सही है प्रकृति के माहौल में वहां की जैसी प्रकृति है, जैसा वहां गंगा यमुना का प्रदेश है, उसके कारण से वहां का व्यक्ति भी सुकुमार और निष्कलंक होता है। यह की विशेषता, उत्तराखंड का आदमी आपके मुंबई में आकर के ऐसा होता है जैसे दूध में चीनी मिलकर के साकर कहते हैं आपने, साकर मिल जाता है, चीनी मिल जाती है, चीनी मिलकर के दूध बन जाता है, मीठा बन जाता है, ऐसे भी आपके दूध की तरह से साकर मिलकर के एक हो जाते हैं आपके यहाँ। ये कभी भेदभाव नहीं रखते, कभी हमने समझा, क्योंकि ये हमारे यहाँ के लोगों की विशेषता है, हम सब लोग एक प्रकार से पूरे राष्ट्र में एक है। मैं कभी कभी वो आजकल कभी थोड़ा सा मराठी सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने देखा क्या कहते हैं पिता को, माता को, काका को, चाची को, मैं देख रहा था उसको, तो एक शब्द मुझे मिला, लड़के लड़की के लिए क्या करते हैं, पुत्र पुत्री कहते हैं मुलगा मुलगी। अब आप लोगों से बहुत से लोगों को यहाँ पता नहीं होगा कि पिथौरागढ़ के अंदर हमारे यहाँ कहते हैं मुला मुली, और यहाँ भी जब मुलगा मुली को संक्षेप बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, मुला मुली। तो यहाँ भी संक्षेप में मुला मुली बोलते हैं। अब आप समझो, मैं एक दिन ऐसे कुछ अखबार पढ़ा था कहीं, तो एक शब्द मुझे मिला झोप। अरे मैंने कहा झोप क्या है, मैंने देखा तो झोप माने निद्रा। अब हमारे यहाँ पहाड़ में क्या कहते, अरे झोप आगे की झोप माने निद्रा आगे क्या, माने एक ही शब्द ढूंढेंगे। आप लोग थोड़ा मराठी सब लोग सीखो, यहाँ पर रहते हो तो सबको सीखना चाहिए, मेरा कहना है महाराष्ट्र में रहो तो सब मराठी सीखो, हा? तो सीखोगे तो आपको लगेगा कि अरे हम भी कई पुराने मराठी थे, मराठी पहले हमारे उत्तराखंडी थे, ऐसा लगेगा। एक प्रकार का ऐसा एकत्व हमारे के बीच में है, मेरा पूरा विश्वास है कि एकत्व और आगे बढ़ता जाएगा। आप जैसे जनप्रतिनिधि जो लोग इतने विशाल दृष्टि को से रखते हैं और हमारे दूर दराज से आए पहाड़ से आए लोगों का इतना ख्याल करते हैं, तो मुझे आप सबके सहयोग से मुझे लगता कि सद्भाव और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और निश्चित रूप से हम सब लोग एक दूसरे के निकट आएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को पता नहीं, जैसे आप लोग यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हो, ऐसे ही आजकल त्र्यंबकेश्वर तो हमारे अनादिकाल से आते ही थे, अब शिरडी बाबा के यहाँ भी ऐसे जाने लग गए जैसे बद्री बाबा यहाँ जा रहे हो। ऐसे लोग वहां से आते लोग आजकल मेरे आते, बोले कहाँ गए थे, बोले शिरडी बाबा का देखने चले गए थे, मैं तो भी नहीं गया। तो एक प्रकार से ये जो कल्चरल आदान प्रदान है, ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, ये सर्वाधिक है, सबसे जरूरी है। और मैं अभी महाराष्ट्र सरकार के उनसे बैठ करके बात करने वाला हूँ कि हम लोगों को महाराष्ट्र के इस सांस्कृतिक वैभव को भी बढ़ाना है, इसको केवल महाराष्ट्र को केवल और केवल इकोनॉमिक और आर्थिक राजधानी और इसे नहीं रखना है, इसको कल्चरल इस ढंग से भी, जैसे आज उत्तराखंड कल्चरल एक प्रकार से राजधानी बन गई है या क्षेत्र बन गया है, ऐसे भी बने, ये मेरा प्रयास आकर के रहेगा। जिससे आप सबसे मेरा निवेदन है, हम सब लोग अधिकतम एक दूसरे के निकट आए, आगे बढ़े, मिलकर के बढ़े। आप सब लोग आज यहाँ प्रसन्न है और सारा उत्तराखंड के इतने लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि कोई 15 लाख से कम लोग होंगे नहीं, ऐसे आज उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा शुभ का दिन है। और आपने ये लोकार्पण मकर संक्रांति को किया है, तो निश्चित रूप से ये मकर संक्रांति उन्नति के दृष्टि में, सांस्कृतिक वैभव की दृष्टि में, आर्थिक वैभव की दृष्टि में महाराष्ट्र और उत्तराखंड के लिए एक नई क्रांति के लेकर के आएगी, ये मेरी शुभकामना है। और एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत।